रहमान रहीम डियर स्टूडेंट्स आपके साइंस की बुक को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे अबाउट माय सेल्फ सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे द थिंग्स अराउंड अस थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे अर्थ एंड स्काई तो प्यारे बच्चों आते हैं फर्स्ट लेसन की तरफ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द फर्स्ट लेसन इज माय बॉडी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रेप क्लास में इसी नाम से जनरल नॉलेज में जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आप लोगों ने बॉडी पार्ट्स एंड फंक्शंस पढ़े थे उसमें हमने कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को भी पढ़ा था इस क्लास में हम ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको मजीद तफसील से पढ़ लें उसके लिए जरूरी है कि हम इस चैप्टर के एलो पे नजर डालें तो आओ बच्चों इस चैप्टर में कितने एस एलोज हैं नंबर वन जो फर्स्ट एसेलो है नेम मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आई नोज एयर माउथ आर्म्स फीट एंड लेग्स नंबर टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। नंबर थ्री नेम द फाइव सेंसेस नंबर फोर identify the sensory description of each of the five senses for example test may be sweet sour bitter or salty touch hard soft touch tough cold warm hot hearing may loud soft high low sight may bright dim and रिकोगनाइज कलर्स स्मेल में प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट तो प्यारे बच्चों दीज आर और टारगेट्स और हमने इस चैप्टर में इन सारी चीजों के बारे में समझना है तो प्यारे बच्चों आओ किताब की तरफ पेज नंबर फोर पे पेज नंबर फोर पे क्या है हेयर आर गिवन द फाइव सेंसेस फाइव सेंसेस किसे कहते हैं यानी यारे बच्चों जब हम इधर उधर देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं ये चीजों का नजर आना एक सेंस है यानी जब हमें मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं तो उसको हम सेंस ऑफ साइट कहते हैं ये देखने की सलाहियत है अल्लाह इज्जत ने हमें इस सलाहियत से नवाजा है कि हम चीजों को देख सकते हैं एंड नंबर टू इज सेंस ऑफ हियरिंग सुनने की ताकत हम सुन सकते हैं मुख्तलिफ आवाजों को और उनके बीच फर्क भी कर सकते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ टच हम चीजों को फील कर सकते हैं आया ये हॉट है ये कोल्ड है रफ है स्मूथ है इनमें हम कैसे फर्क करेंगे जब हमें सेंस ऑफ टच होगा द फोर्थ वन इज सेंस ऑफ स्मेल यस हम मुख्तलिफ चीजों को स्मेल भी कर सकते हैं यानी जब हम हमें अच्छी स्मेल आती है तो हमको अच्छा लगता है कहीं से बुरी स्मेल आती है तो हम कोशिश करते हैं कि वहां से हट जाएं या कोई उसका और तरीका करें और उसके बाद है सेंस ऑफ टेस्ट यानी हम जब कुछ चीज पीते हैं या खाते हैं तो हमें मुख्तलिफ फ्लेवर मुख्तलिफ टेस्ट का पता चलता है तो दीज आर फाइव सेंसेस सेंस ऑफ साइट सेंस ऑफ हियरिंग सेंस ऑफ टच सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट नाउ यू टेल मी माई डर स्टूडेंट के सेंस ऑफ साइट के लिए बॉडी का कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल होगा यस ऑफकोर्स वी सी विद द हेल्प ऑफ आवर आईज सेंस ऑफ हियरिंग के लिए हम कैसे सुनते हैं हम सुनते हैं विदेंस ऑफ और विथ द हेल्प ऑफ अवर एयर्स उसके बाद सेंस ऑफ टच सेंस ऑफ टच में क्या करते हैं बच्चे वी टच वी फील विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन यानी हाथ के स्किन से हम अंदाजा लगाते हैं आपको जब फर्ज करो यू आर गोइंग टू टेक अ कप ऑफ टी तो चाय पीने से पहले आप कप को हाथ लगाते हैं वहां से आपको पता चलता है कि अगर कप ज्यादा गर्म है तो आप थोड़ा वेट करते हो लिहाजा हम सेंस ऑफ टच का फायदा उठाते हैं सेंस ऑफ स्मेल जब आप चीजें देखते हो अक्सर जब आप कहीं बेकरी से कुछ लाते हो ब्रेड लाते हो स्पेसिफिकली तो अगर उसके ऊपर एक्सपायरी uh, डेट नहीं लिखी तो पहले तो हम रिफ्यूज करते हैं और अगर अल्लाह ना करे कहीं पे फिर भी हमें डाउट हो तो हम स्मेल करते हैं अगर वो फ्रेश स्मेल है तो हम कहते हैं दिस इज फ्रेश और अगर उसकी स्मेल रटन है तो हम फिर उसको नहीं कहते हैं लिहाजा वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ नोज एंड आफ्टर दैट इज सेंस ऑफ टच की तरफ आते हैं सॉरी सेंस ऑफ उसके बाद हम सेंस ऑफ टेस्ट की तरफ आते हैं सेंस ऑफ टेस्ट कैसे होता है वी डू टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आवर टंग यानी अगर कोई चीज ज्यादा कट्टी है या ज्यादा कड़वी है या ज्यादा मीठी है तो हम रिफ्यूज करते हैं हम उस चीज को नहीं खाते क्योंकि हमें यकीन है कि वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो प्यारे बच्चों दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो अबाउट फाइव सेंसेस तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बताओ फाइव सेंसेस कौन कौन से हैं और उनके बॉडी ऑर्गन कौन कौन से हैं जल्दी मुझे बताओ शाबाश आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर शाबाश यू आर गोइंग टू टेल मी नंबर वन सेंस ऑफ साइट नंबर टू सेंस ऑफ हियरिंग नंबर थ्री सेंस ऑफ टच नंबर फोर सेंस ऑफ स्मेल नंबर फाइव सेंस ऑफ टेस्ट वेल्डन माई डर स्टूडेंट वी मूव फर्दर वी मूव टूवर्ड द डिटेल ऑफ देंसेज सबसे पहले सेंस ऑफ साइट एंड फोर दिस दिस इज वेरी मच नेसेसरी दैट वी शुड लुक इन टू दिस बबल इस बबल में लेके क्या लिखा हुआ है इस बबल में लिखा हुआ है हाउ डू वी सी नाउ यू टेल मी आप लोगों को चीजें कैसे नजर आती हैं? यानी आप किस चीज की मदद से इस काबिल होते हैं कि आप चीजों को देख सकते हैं? सी टूवर्ड दिस बेबी इसने एक आंख को बंद किया हुआ है किसी चीज को देख रही है तो उनको इस चीज का पता कैसे लगेगा हेल्प ऑफ आईज सो हमने क्या लिखा वी सी विद आईज वी रीड विद द हेल्प ऑफ आर आईज वी रिकॉग्नाइज डिफरेंट कलर्स विद द हेल्प ऑफ आर आईज हम आंखों की मदद से करते हैं नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू एंड द क्वेश्चन इज वट कैन यू सी राइट नाउ इस वक्त आप क्या देख रहे हो शाबाश बताओ वरना मैं बताता हूं चलो मैं बताता हूं आप क्या देख रहे हो आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो ये स्क्रीन यानी तो आपका जवाब क्या होगा आई सी टू द स्क्रीन राइट नाउ वन एन बच्चे हमने क्या सीखा सेंस ऑफ साइट क्या ये बताता है हम देखते हैं आंखों की मदद से और आंखों की मदद से देखने का नाम क्या है सेंस ऑफ साइट नाउ दिस इज द टर्न ऑफ सेंस ऑफ स्मेल अगेन आते हैं बबल की तरफ इस बबल में देखें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले लेट्स सी द बबल बबल कहता है हाउ हाउ डू वी स्मेल किस चीज की मदद से हम स्मेल करते हैं सो ऑफ कोर्स सेंस ऑफ स्मेल वी स्मेल विथ द हेल्प ऑफ आर नोज वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लीजेंट एंड नॉन प्लीजेंट स्मेल विथ द हेल्प ऑफ आर नोज ओके okay. ये तो आप जान गए नाउ यू टेल मी विच स्मेल डू यू लाइक द मोस्ट व्हाट डू यू लाइक टू स्मेल अगर आप मुझसे पूछें सो मेरा तो मेरा जवाब तो फिर वही होगा आई लाइक टू स्मेल रोज वट डू यू लाइक टू स्मेल एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू शाबाश बच्चे आप लोग मुझे बताओ अगर आपको कोई परफ्यूम पसंद है तो अभी बताओ कौन सा परफ्यूम हम्म ओके नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन और अगला वाला है सेंस ऑफ हियरिंग सुनने की ताकत वंस अगेन गोइंग टुवर्ड्स द बबल बबल में क्या है सी द बबल और बबल में क्या सवाल पूछा गया है एंड दिस इज प्रॉबिंग क्वेश्चन इससे हमें पता चलेगा कि हमने सीखना क्या है और क्वेश्चन क्या कहता है हाउ डू वी हियर हम सुनते हैं किस चीज की मदद से वी सेंस ऑफ हियरिंग वी हियर विद द हेल्प ऑफ आवर इयर्स वी हियर अ ड्रम बीट वी यूज आवर सेंस ऑफ हियरिंग वी कैन डिफ्रेंशिएट अमोंग डिफरेंट साउंड हेल्प ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग प्यारे बच्चों यू आर सिटिंग इन द रूम आप अपने कमरे में बैठे हैं बाहर से आवाज आती है और आवाज आती है आपका नाम पुकारा जाता है बाहर आ जाओ तो आपको पता चलता है कि ये बाबा का साउंड आवाज है या मम्मा का है या बहन का है या बाई का है आप लोग मुझे बताओ आपको कैसे पता चल जाता है बिकॉज यू आर सिटिंग इन योर रूम यू आर सिटिंग इन साइड इंड योर रूम यू डोंट सी यू डोंट सी एनी वन आउटसाइड आपको तो नजर तो नहीं आ रहा तो आपको कैसे पता चल जाता है इस यानी हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग सेंस ऑफ हियरिंग की मदद से हमें पता चल जाता है कि कौन बाहर से हमें आवाज दे रहा है जाते हैं सेंस ऑफ टेस्ट की तरफ आज मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कौन सा आइसक्रीम पसंद है आपको फ्रूट में कौन सा फ्रूट पसंद है और आपको डिशेज में कौन सा पसंद है ये डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर और डिफरेंट डिशेज और डिफरेंट फ्रूट ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके लिए आते हैं सीधा बबल हाउ डू वी टेस्ट हम कैसे चीजों को टेस्ट कर सकते हैं अगेन बबल ने हमसे सवाल पूछा तो हमारा जवाब तो इधर है ऑलरेडी वी टेस्ट विद आवर टंक वेन वी ईट टॉफी वी इंजॉय इट विद आवर सेंस ऑफ टेस्ट आप लोग किस चीज की मदद से डिफरेंट आइसक्रीम के फ्लेवर को अगर आपकी आंखें बंद हो और आप कुल्फा का आए और साथ में आप चॉकलेट फ्लेवर का आए तो आपको पता चलता है ना जी हा कैसे किस चीज की मदद से विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एक्सेलेंट तो आप लोग सेंस ऑफ टेस्ट भी जान गए नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड सेंस ऑफ टच सेंस ऑफ टच से कैसे पता चलेगा और ये क्या चीज है कमिंग टूवर्ड बबल बबल क्या बोलता है हाउ डू वी फील आपको इफ योर आईज आर क्लोज आंखें बंद है एंड यू आर हैविंग कप ऑफ टी और आप आपकी मामा आपको कहती है वाई डोंट यू टेक यूर टी और आप उसे कहते हैं कि मामा थोड़ा सबर करो दिस इज यट हॉट यानी इससे अभी उठ रहे हैं बट येट आपको कन्फर्म कब होगा जब आप इसको टच करोगे तो पता चल जाएगा कि ये गर्म है अगर ये गर्म है तो आप नहीं कहोगे

यू सी हियर बेटा यहां पे जो आपको दिस इज ग्लास अगर आप इस पे उंगली रखोगे तो आपको कैसे फील होगा आपको स्मूथ फील होगा इसके नीचे यू सी द स्टोन द स्टोन क्या है दिस इज रफ यानी दिस इज रफ तो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड रफ ऑब्जेक्ट नाउ यू टेल मी हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड Rough and smooth things. Now you tell me this is your question, right? Well done, my dear students. How many senses have you studied here? Number one, sense of sight. Number two, sense of smell. Number three, sense of hearing. Number four, sense of taste. Number five, sense of touch. Excellent, my dear students. Well done and we'll see you tomorrow again. Allah Hafiz.